कब होगी मेरी शादी? ऐसे गलत काम करते हो ना, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं होती है। सुनाई नहीं दे रहा। अब देखो तो चाय 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 लो कहीं लो। हर दिन की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे। नहाने जा नहाने जा। स्वागत तो करो हमारा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? हेलो गाइस, मैं ना अभिषेक एंड आप देख रहे हैं सुपर एक्सपोज यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मर वॉर सीरीज के बारे में। जी हां, इससे रिलेटेड कुछ लीक्स कुछ र्यूमर्स हमारे सामने आए हैं, उन्हीं लीक्स और र्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस, बहुत ही ऑसम अपडेट्स हैं, तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। एंड कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। एंड हाँ गाइस, देसी नट को तो आप जानते होंगे, मतलब वही अपने आमिर भाई, तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो कोविड पॉजिटिव है, इसकी वजह से वो वीडियोज भी नहीं बना पा रहे हैं। तो बस गाइस, आप उनके लिए प्रे कर सकते हो, अभी उनकी हालत उतनी भी अच्छी नहीं है कि वो वीडियोज बना पाए, वो जल्दी ठीक होने के बाद वीडियोज बनाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, हम अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो गाइस, आर्मर वॉर्स रिलेटेड जो भी लीक और जो भी अपडेट आए हमारे सामने, उसमें सबसे पहली बात ये बोली गई है कि हमारे पुराने एक बहुत ही फेमस विलन, जो कि कॉमिक्स में बहुत फेमस था लेकिन एमसीयू में उसको ज्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन अब वो रिटर्न हो रहा है, जिसका नाम है जस्टिन हैमर। और जस्टिन हैमर का कैरेक्टर जो है बहुत टाइम से देखना चाहते थे एमसीयू में, क्योंकि यार उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़रा ऑसम है, लेकिन उसको एमसीयू में सिर्फ एक मूवी में ही खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब आर्मर वॉर्स में वो रिटर्न हो रहा है और वो जेल से आज़ाद होगा। अब जेल से आज़ाद क्यों हो रहा है इसके बारे में पता नहीं है, हो सकता है कि उसने कुछ अच्छे काम किए होंगे, या फिर क्योंकि अब 2010 में आई थी आर्मर मूवी तो ऑलरेडी 14 साल हो चुके हैं, तो शायद उसकी सजा खत्म हो गई होगी, इस वजह से वो बंदा छूट गया होगा, या फिर उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसकी सजा को कम कर दिया गया होगा, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। अब देखो, अब वो वापस जब आएगा तो टोनी स्टार्क से बदला तो लेगा ही, लेकिन वो बदला कैसे लेगा? टोनी स्टार्क तो ऑलरेडी मर चुका है, तो उसका बदला ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब वो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को चोरी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका तो कॉम्पिटिशन ऑलरेडी खत्म हो गया है ना। अब फील्ड में टोनी स्टार्क जैसा तो कोई बंदा बचा नहीं है, बाकी जो बचे हैं उनको इतनी बड़ी चीजों से कोई मतलब नहीं है, या फिर हमें जो है और भी स्मार्ट कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि रीरी विलियम्स की कैरेक्टर जो है वो हमें एमसीयू में दिखने वाला है, जिसकी आयरन हर्ट सीरीज आने वाली है, तो मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस सीरीज के अंदर में वो भी दिखेगी। एंड जो लीक आई है उसमें ये चीज कंफर्म की गई है कि रीरी विलियम्स का कैरेक्टर जो है इसमें हमें देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि इसी सीरीज से रीरी विलियम्स के कैरेक्टर को दिखाया जाए कि उसको आर्मर कैसे मिला, बाकी चीजें कैसे मिली, उसके बाद जाके जो है वो आयरन हार्ट सीरीज में उसके आगे की स्टोरी दिखाई जाए, उसकी बाकी की बची हुई ओरिजिन दिखाई जाए, एंड वहां पे वो क्या करती है, ये सब भी हमें देखने को मिल सकता है। खैर, ये दोनों सीरीज एक साल के बाद आ रही है, तो अब जैसे जस्टिन हैमर जो है अब टोनी स्टार्क का टेक चोरी करने लगा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए वॉर मशीन आएगा और भी कुछ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, फिर इस सीरीज में हमें आगे मालूम चलेगा कि जस्टिन हैमर जो है वो जेल में चुपचाप नहीं बैठा था इतने साल से, वो जेल से ही जो है बाकी लोगों को कंट्रोल कर रहा था, ऑर्डर्स दे रहा था। हो सकता है कि जो भी हमें कैरेक्टर्स एमसीयू के अंदर में दिखाए गए हैं उनमें से कोई कैरेक्टर्स जो है वो इसी के द्वारा भेजे गए हों, हो सकता है कि मिस्टीरियो इसके द्वारा आया हो, या फिर सोनी बर्च जो कि एंटमैन द वॉस में आया था कि वो भी टेक चोरी करने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो उस बंदे के लिए काम कर सकते हैं। और इस सीरीज में हमें क्रिम्सन डायनमो भी देखने को मिलने वाला है, ये जो है वो सामने से काम करेगा। अब देखो, जस्टिन हैमर आएगा, एक नई कंपनी स्टार्ट करेगा, तो वो अब दुनिया की नजर में अच्छा बंदा बन जाएगा, तो वो दुनिया की नजर में दोबारा विलन नहीं बनना चाहेगा, इस वजह से वो क्रिम्सन डायनमो का यूज करेगा, जो कि उसके जितने भी बुरे काम हैं, चोरी करने से रिलेटेड, लोगों को रोकने से रिलेटेड, मतलब जितने काम है वो क्रिम्सन डायनमो करेगा, बाकी जस्टिन हैमर पीछे से बस उसको ऑर्डर्स देता रहेगा। एंड क्रिम्सन डायनमो कॉमिक्स में भी रह चुका है, एंड आयरन मैन के गेम में भी हम क्रिम्सन डायनमो को ऑलरेडी देख चुके हैं। अब गाइस, इसके अलावा जो है वो डॉन चीडल यानी कि अपना वॉर मशीन अकेला थोड़ी होगा यार, उसके साथ रीरी विलियम्स होगी, शायद वही जो है वो रीरी विलियम्स को आयरन हार्ट बनाएगा, मे भी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी सीरीज के एंड तक, क्योंकि वो भी एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, तो हो सकता है कि वॉर मशीन जो है वो उसकी हेल्प लेगा, या फिर वो खुद ही वॉर मशीन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब गाइस, लीक्स में एक और बात बोली गई है कि इसमें हमें एंथनी मैकी यानी कि अपना नया कैप्टन अमेरिका देखने को मिलने वाला है, मतलब फाल्कन जो है वो देखने को मिलेगा इस सीरीज में। देखो, वो बंदा पूरी सीरीज में नहीं होगा, इवन हो सकता है कि जिस तरह से शैरन कार्टर को एक आध एपिसोड में मुश्किल से दिखाया गया है, उसी तरह से हमारे नए कैप्टन अमेरिका को दिखाया जाए, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया आयरन मैन की टेक्नोलॉजी चोरी हुई है यार, बहुत बड़ा सीन
सीन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक बंदा थोड़ी ना है जो वहाँ जाके उसको रोकेगा, यहाँ पे पूरी टीम लगेगी जो उनको रोकेगी। तो इस वजह से गाइज यहाँ पे हमें बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स और पुराने कैरेक्टर्स रिटर्न होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इसमें हमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर के भी सीन दिखाए जाएंगे, नए सीन नहीं होंगे, वो फ्लैशबैक के सीन होंगे लेकिन होंगे जरूर। तो गाइज मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ। एक्सक्यूज मी सर, कहिए क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर।